फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही एक बेल आइकन आएगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे अगली कोई हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले और आप आसानी से सबसे पहले वीडियो को देख सके। फाइनली फ्रेंड्स, वीडियो में बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को, फिजिकल टेस्ट की भी जानकारी मिल चुकी है और साथ ही यहाँ पर रिजल्ट की भी जानकारी मिल चुकी है। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को देख सकते हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, सभी न्यूज आपके इसमें कवर करेंगे। साथ ही यहाँ फिजिकल टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, ठीक है, और साथ ही यहाँ पर बता दिया गया है रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये न्यूज जो है NDTV पर प्रकाशित की गई है, आज की न्यूज है, आप डेट को देख सकते हैं, 25 फरवरी की न्यूज है, 9:36 पर पब्लिश की गई है, ठीक है। तो अभी की न्यूज है यहाँ पर NDTV की न्यूज, यहाँ पर बता रहे हैं रेलवे RRB ग्रुप डी रिजल्ट नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड सून, डिटेल ऑन PET हेयर, ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं फिजिकल टेस्ट, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। RRB ग्रुप डी रिजल्ट नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड टू नेक्स्ट फ्यू डे, RRB ग्रुप डी PET डिटेल इनसाइड, ठीक है। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का रिजल्ट जो है, रिजल्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ दिन के अंदर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश होने वाला है, यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है। चलते हैं आगे न्यूज पर, बताया जा रहा है, मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ, RRB ग्रुप डी रिजल्ट नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट फ्यू डे अकॉर्डिंग टू RRB ऑफिशियल हु बी हैव बीन इन कंस्टेंट टच विद द RRB ग्रुप डी रिजल्ट विल बी रिलीज्ड बिफोर द एंड ऑफ फरवरी 2019 एंड नोटिस विल बी रिलीज्ड 2-3 डेज प्रियर टू द रिजल्ट डिक्लेरेशन, हैंस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द RRB ग्रुप डी रिजल्ट नोटिफिकेशन बीइंग रिलीज टूडे और टुमारो इज वेरी हाई, ठीक है। जो आपका रिजल्ट है यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ दिन के अंदर आपके पब्लिश कर दिया जाएगा, साथ ही आपका रिजल्ट जो है वो फरवरी के अंतिम दिन तक, यानी कि 28 फरवरी कह सकते हैं, 28 फरवरी तक आपका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा, और रिजल्ट घोषित होने के 2-3 दिन पहले आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक रिजल्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया जाएगा कि इतने टाइम और इस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया जाएगा रिजल्ट आने से 2-3 दिन पहले हो। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि इट इज बीइंग रिपिक्लूटेड डेट RRB वुड नॉट वेट द फरवरी 28, यहाँ पर बता रहे हैं कि आप जो है 28 फरवरी यानी कि 28 फरवरी तक वेट कीजिएगा, आपके रिजल्ट जो है 28 फरवरी तक घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर NTPC की वैकेंसी आ चुकी है, RRB की करीब 130,000 वैकेंसी हैं, और साथ ही यहाँ पर बता दिया गया है, चली गई आगे आप देख लेते हैं, RRB ग्रुप डी CBT कंडक्टेड टू फिल मोर देन 60,000 वैकेंसी, द सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विच हैज ऑलरेडी बीन ओवर ए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET विच विल बी कंडक्टेड नेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है रेलवे ग्रुप डी का CBT टेस्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है, फाइनली इसके बाद आपको जो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि फिजिकल रेस लगानी होगी आपको, साथ ही यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका फिजिकल होने के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा, फिजिकल के साथ साथ मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बता दिया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बता दिया गया है कि जो मेल कैंडिडेटों के लिए सभी को पता है 35 किलोग्राम वजन लेकर 100 मीटर जाना है 2 मिनट में, साथ ही 1000 मीटर 4:15 में आपको जाना होगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलोग्राम वजन लेकर 100 मीटर 2 मिनट में पूरा करना होगा, साथ ही 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर 5:40 में आपको रेस लगानी होगी। तो फ्रेंड्स, इतना अपडेट था इस वीडियो में, आगे जो भी अपडेट आएगा रेलवे ग्रुप डी को रिजल्ट को लेकर तो हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में, आगे जो भी आएगा हम आपको देते रहेंगे हर बेहतर न्यूज़ के साथ।